पंजाब में लीडरशिप चेंज हुआ है, चरणजीत सिंह चन्नी नए चीफ मिनिस्टर बने हैं, उनके साथ सुखजिंदर सिंह रंधावा डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, ओपी सोनी भी डिप्टी सीएम हैं। हमारे साथ रंधावा साहब हैं, रंधावा साहब से बात करेंगे। रंधावा साहब, सोमवार को आपने शपथ ली थी, आज शुक्रवार हो गया, कहीं डिले हो रहा है कैबिनेट फॉर्मेशन में, कोई कंसेंसस नहीं बन रहे हैं? ऐसी कोई बात नहीं, मेरे से बेहतर जवाब पीसीसी प्रेसिडेंट और चीफ मिनिस्टर साहब दे सकते हैं। और मंडे को हमने शपथ ग्रहण किया, शाम तक हम कैबिनेट करते रहे, दूसरे दिन दिल्ली चले गए और वहाँ से सीधे दरबार साहब चले गए, कल दरबार साहब से वापस आए, पूरा दिन लगे रहे और फिर दोबारा सीएम साहब को दिल्ली जाना पड़ा। इतने दिन जब इतनी बड़ी पार्टी और 117 एमएलएज में से 17 एमएलए को करना हो तो टाइम तो लगता है, किसी को कम्युनिटी वाइज सीनियरिटी वाइज ये सारा कुछ के यंग कितने लेने, ऐसी कोई बात नहीं, जल्दी आ जाएगी लिस्ट। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने नवजोत सिंह सिद्धू पर बड़ा हमला बोला है, वो कह रहे हैं कि मैं नवजोत सिंह सिद्धू को सीएम नहीं बनने दूंगा किसी भी सूरत में और उनके खिलाफ एक अच्छा कैंडिडेट तगड़ा कैंडिडेट जो है वो दूंगा विधानसभा इलेक्शंस में। मैं 2002 से कैप्टन साहब को जानता हूँ, वो गुस्से में बात कर जाते हैं पर कांग्रेस के कभी अपोज नहीं करेंगे, उनके मन में गुस्सा होगा तो और वो गुस्से में बात कर गए, वो कभी इस फैमिली के साथ जिन्होंने 2 बार चीफ मिनिस्टर बनाया, 3 बार पीसीसी प्रेसिडेंट बनाया, ये कभी कांग्रेस के अगेंस्ट कोई ऐसी बात नहीं कर सकते। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया है कि जो गांधी जो परिवार के 2 सिबलिंग्स हैं बेसिकली राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, कि ये इनएक्सपीरियंस हैं और इनको जो एडवाइजर्स हैं 3 के नाम भी लिए उन्होंने कि वो मिसगाइड कर रहे हैं। नाम नहीं मेरे को पता क्या लिए हैं, तो मैं एक बात बताना चाहता हूँ, साथ में यही भी कहते हैं कि वो इतने थे मेरी गोदी में खेलते रहे हैं, तो मेरा ख्याल जो बच्चे हैं खेलते रहे इतना उनके साथ प्यार है तो प्यार से बात कैप्टन साहब कर सकते हैं, बेटा ऐसी बात होनी चाहिए, तो जब हमें कहते थे कि आप मेरे बेटे जैसे हो आप गलत हो, तो उनको भी बोल देना चाहिए कि आप मेरे बच्चों जैसे हो, तो मेरे ख्याल कि कभी टिक्कू भी उनके आगे कुछ करता होगा तो वो कहते होंगे कि ना बेटा ऐसे नहीं करना, तो जब इतने फैमिली रिलेशन हों तो उसके बाद ऐसी बात करनी अच्छी नहीं लगती। तो आपको लगता है आप काफ़ी क्लोज रहे हैं कैप्टन साहब के पहले भी, आपको लगता है अल्टीमेटली कैप्टन साहब जो हैं कांग्रेस में ही रहेंगे? बिल्कुल, इतने सालों ने कहा कि 52 ईयर्स मेरा पॉलिटिक्स में है, तो मेरा ख्याल ज़्यादा टाइम उनका, थोड़ी देर के लिए 10 साल 12 साल वो अकाली दल में गए थे, उसके बाद कांग्रेस, बाकी तो उनकी पूरी की पूरी लाइफ कांग्रेस में है। आज जितना जो रुतबा सत्कार मान ऑनर जो कांग्रेस ने दिया है, ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। एक आज श्रोमणी अकाली दल अध्यक्ष आए थे, सुखबीर सिंह बादल गवर्नर साहब को मिल के आए हैं, वो कह रहे हैं कि अब ये जो नई सरकार बनी है ऑफिसर्स लगाने से पहले पूछा जा रहा है कि भाई बादलों को अंदर देंगे या नहीं देंगे। वो जैसे वो बात करते हैं, जैसे वो एडमिनिस्ट्रेशन चलाते रहे, उनके मन में थोड़ा डर है, और मैं उनसे सुखबीर जी से अपील करता हूँ, बादल साहब डरिए मत, ये इंसाफ होगा, बेइंसाफी नहीं होगी। अगर उन्होंने पूछना है कि वेंडेटा क्या होता है, बड़े बादल साहब से बात करें कि 77 में उन्होंने कैसे वेंडेटा किया था, पहले उनसे बात कर ले। आपकी पार्टी में भी इस तरीके की बातें पहले होती रही हैं कि जब नई सरकार भी बनी थी कि भाई ये बादलों के खिलाफ कार्रवाई करो, चाहे सैक्रिलेज का इशू है, चाहे ड्रग्स, उन्होंने कैप्टन साहब के ऊपर केस बनाए थे, हाँ मेरे ख्याल उस टाइम मुझे रिपोर्टर नहीं थे, लुधियाना में जाकर देखना था, अमृतसर मोहाली जेल में कैसे अमरिंदर सिंह को भगाया था उन्होंने। तो आपको क्या लगता है बेसिकली कि जिस तरीके से अब पहले आपके कांग्रेस के लोग भी इस तरीके की मांग करते रहते थे कि कार्रवाई होनी चाहिए, जैसे ड्रग्स के इशू में कार्रवाई, तो हम आज भी कहते हैं, उस टाइम भी कहते थे, पर मेरे को एक बार अफसोस लगा, मैंने थोड़ा सुना था कैप्टन साहब का, कैसे बादलों को अंदर दे दूँ, कैसे मजीठिया को दे दूँ, तो फिर लोगों के साथ वादा क्यों किया था, अगर उस टाइम गलत थे आप, आपको माफ़ी मांगनी चाहिए थी कि उस टाइम मेरे को मिसगाइड किया गया, लोगों मेरे को ठीक नहीं रिपोर्ट का पता चला, बाद में मैंने जब आकर चीफ मिनिस्टर बनकर सारा देखा तो ये सभी बातें गलत हैं, उनको एक्सेप्ट करना चाहिए लोगों के सामने। उन्होंने तो अब भी कह दिया, कहते हैं कि अब सरकार बदल गई है, अब अगर कर सकते हैं अंदर तो करेंगे, उनको भी कहा था कि ऐसा मत करिए जी, तो वो सुनते नहीं रहे हमारी। रंधावा साहब, आप जाते जाते कुछ प्रायोरिटीज थोड़ी बता दीजिए, आप क्या करने वाले हैं?
जी, तो ये थे सुखजिंदर सिंह रंधावा, डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, पंजाब के नए डिप्टी चीफ मिनिस्टर बने हैं। साफ कह रहे हैं कि सरकार जो है, जो प्रॉमिसज हैं उनके लिए कमिटेड है, और साथ ही साथ कैबिनेट फॉर्मेशन को ये कह रहे हैं कि कोई डिले नहीं हो रहा है, ये एक प्रोसेस है और प्रोसेस से निकल के ही ये सारे कैबिनेट की फॉर्मेशन जो है वो होगी। फिलहाल चरणजीत सिंह चन्नी चीफ मिनिस्टर जो हैं वो दिल्ली गए हैं, अब शाम तक देखते हैं कि कैबिनेट फॉर्मेशन पर क्या निकल के आता है। बट फिलहाल रंधावा साहब जरूर ये कह रहे हैं कि कांग्रेस जो है अपने जो प्रॉमिसेज हैं उनको जरूर पूरा करेगी। कम ऑप्शन नो सांगवान के साथ सचिन कुमार, एबीपी न्यूज चंडीगढ़। एबीपी सांझा, जोश, जज्बा, जुनून।